फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि फॉर द सेक ऑफ क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम फॉर द सेक ऑफ को कैसे इस्तेमाल करें। तो आइए फ्रेंड्स, उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर या के वास्ते या के लिए। जैसे यह डायलॉग अक्सर आप सुनते होंगे, गॉड के वास्ते मुझे छोड़ दो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर द सेक ऑफ गॉड लीव मी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि गॉड के वास्ते मुझे जाने दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फॉर द सेक ऑफ गॉड लेट मी गो। अगर आपको कहना हो कि इंसानियत के नाते मैं यह करता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डू दिस फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी इंसानियत के नाते यह मैं करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि गॉड के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लीव मी अलोन फॉर द सेक ऑफ गॉड। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि इंसानियत के नाते पानी बचाओ, तो आप कहेंगे सेव वाटर फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं अपने बच्चों के वास्ते कुछ भी कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ माई चिल्ड्रेन। फ्रेंड, फॉर द सेक ऑफ का इस्तेमाल आप सेंटेंस के शुरू में या सेंटेंस के लास्ट में कर सकते हैं। अगर आप इसको सेंटेंस के शुरू में करेंगे, तो आपको कॉमा से सेपरेट रखना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब आपको कहना हो के वास्ते या के खातिर या के लिए, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए फॉर द सेक ऑफ का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा, तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय।